बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल संस्थिता ब्लॉग्स। और आज हम लोग एक नहीं बल्कि दो दो जगह के सफर में चलेंगे, क्योंकि एक जगह रास्ते में ही आता है। और रास्ते में सबसे पहले हम ठहरे तप्तपाणी हॉट वाटर स्प्रिंग पर। तप्तपाणी हॉट वाटर स्प्रिंग जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा हॉट वाटर स्प्रिंग है। ये एक सल्फर वाटर स्प्रिंग है। समुद्री सतह से 550 मीटर यानी करीब 1800 फीट ऊंचाई पर ईस्टर्न घाट के पहाड़ियों में कहीं हरे भरे जंगल के बीच माता कंदुनी देवी के मंदिर के आड़े ढेर सारे औषधीय तत्वों के साथ बहता ये छोटा सा सल्फर स्प्रिंग। साइंस के हिसाब से स्प्रिंग्स तब बनती है जब जमीन के अंदर की पानी का प्रेशर उसे जमीन के ऊपर लेके आता है। सरफेस पे बने क्रैक्स से ये पानी बाहर आके स्प्रिंग्स बन जाता है। यहाँ की जनजातीय समुदाय और यहाँ की हरियाली बहुत ही सुंदर है। पास ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक डियर पार्क भी मेंटेन किया गया है। फिर हम चले जिरांग चंद्रगिरी की ओर। मोनास्ट्री एक ऐसी जगह जिसे सन्यासियों के प्रार्थना के लिए बनाया गया है। इसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी होती है जहां पर सन्यासियों के रहने के लिए डोमेस्टिक क्वार्टर्स, लाइब्रेरी, बैलनियरी, हॉस्पिटल्स और ग्रंजेस यानी फसल उगाने के लिए जमीन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। मोनेस्ट्री दो ग्रीक शब्दों का मिलन है जो कि है मोनाजेन अंटेरियन। मोनाजेन का मतलब है टू लिव योर लर्न, अंटेरियन का मतलब है प्लेस फॉर डूइंग समथिंग। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को पाली लैंग्वेज में विहारा कहा जाता है जो जिसका मतलब है सेंट्रल हॉल कनेक्टेड विद स्मॉल सेल्स कंटेनिंग ए प्लेस ऑफ मेडिटेशन दैट इज कॉल्ड स्तूप। तिब्बतियन बुद्धिज्म में इसको गोम्पा भी कहा जाता है जिसका मतलब है रिमोट प्लेस यानी अरण्य। बिहारा एक ऐसा शब्द है जो चार शब्द वितरण, स्थानांतरण, पृथकीकरण और सज्जीकरण को लेके बना है। और ये चारों शब्द जब कोई पवित्र गुरु जैसे तीर्थंकर और गौतम बुद्ध से मिलते हैं तब उस जगह को बिहारा बोला गया है। पद्मसंभव महाबिहार मोनास्ट्री जो कि जिरांग चंद्रगिरी पे है उसे थुप्तेन मिंड्रोलिंग मोनास्ट्री भी कहा गया है। ये रिपा बंसावली का एक महाबिहार है जो कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। ये मोनास्ट्री दलाई लामा द्वारा जनवरी 2010 में उद्घाटित हुआ था। इतिहास के अनुसार सन 1959 में चाइनीज सैन्य विरोध तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 85,000 तिब्बतियंस उनके राष्ट्रध्वज तथा आध्यात्मिक गुरु 14 दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो के साथ भारत तथा अन्य प्रांतों में आश्रय लिए थे। चंद्रगिरी जो कि बरहमपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है दक्षिण उड़ीसा में, भारत में तिब्बतियन रिफ्यूजीज के 6 मुख्य बस्तियों में से एक है। यह जगह पुन सोकलिंग जिसका मतलब खुशियों से भरा स्थान के नाम से भी जाना गया है। यहाँ पर बना बिल्डिंग 2003 में शुरू और 2008 में संपन्न हुआ था जिसमें कुल विनियोग 8 करोड़ भारतीय मुद्रा है। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो यह बिल्डिंग अत्तनपुरी शैली की है जो कि नालंदा महाविहार से मिलता जुलता है। यह 70 फीट तथा 5 मंजिला ऊंचा है। ये करीबन 10 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यहाँ पर 23 फीट ऊंचा बुद्ध प्रतिमा
और 70 फीट ऊंचा बुद्ध पद्मसंभव है, जो कि पर्यटकों को काफ़ी लुभाता है। यह करीबन 200 बुद्ध भिक्षुओं का घर है। ये आचार्य पद्मसंभव, जिसका मतलब है कमल से जन, जिनको गुरु रिपुंचे या महागुरु भी माना जाता है, उनके ही नाम अनुसार इसको पद्मसंभव महाविहार कहा जाता है। यहाँ पर एक विशाल प्रार्थना कक्ष और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं। तो अगर मुख्य की तलाश में है तो जिरन जरूर जाएं। जरूरी सूचना, कोरोना के हालातों को मद्देनजर रखते हुए महाविहार का मुख्य मठ अभी बंद है, तो लॉकडाउन हटने के बाद यहाँ पर घूमने जाएं और इस धर्मस्थल में भीड़भाड़ भरे जिंदगी से दूर शांति का मजा जरूर उठाएं। और जिरांग चंद्रगिरी जाने के लिए आप भुवनेश्वर से बरहमपुर तक की बस या ट्रेन यात्रा कर सकते हैं। बरहमपुर से तप्तपाणी का सफ़र 53 किलोमीटर और तप्तपाणी से जिरांग तक 34 किलोमीटर का सफ़र है। इस सफ़र का मज़ा आपको प्राइवेट व्हीकल्स में ही ज़्यादा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ट्रैवल सेफ।